लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या तुमको भी वही अनुभूति हो रही है जो मुझे हो रही है? हाँ स्वामी, जैसी अनुभूति प्रिय पुत्र महत्कट के समय पर हुई थी वैसी अनुभूति मुझे इस समय भी हो रही है। अवश्य ही परम देव श्री महागणेश का कोई दिव्य अवतार अथवा महत्कट हमारे समीप है। पिताश्री आपके आराध्य परम देव श्री महागणेश के अवतार इन दोनों दैत्य माताओं को कहाँ लिए जा रहे हैं? देवराज इंद्र, परम देव श्री महागणेश की आराधना करने के कारण इन दोनों को देवियों का पद मिल गया है, इसी कारण इन्हें स्वर्ग में रहने का अधिकार भी मिल गया है। दैत्य कुल में जन्म लेने वाली दैत्यों को देवियों का पद, स्वर्ग का सुख भोग और अदिति पुत्र इंद्र को कुछ भी नहीं? कुछ पाने के लिए कुछ प्रयास भी करना पड़ता है देवराज, परंतु प्रयास और संघर्ष तो आप करना ही नहीं जानते, इसीलिए शुभ शक्तियाँ आपके लिए कुछ भी करने को उत्सुक नहीं होती। अब आप भी अपने माता और पिता के समान परम देव श्री महागणेश की आराधना करके अपना इच्छित वरदान प्राप्त करें, आपका कल्याण होगा। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः। जब ये दोनों दैत्यियां दुष्ट भयासुर के साथ स्वर्ग में निवास करेंगी तो मेरी श्री महागणेश आराधना का उद्देश्य क्या? अपनी वाणी पर अंकुश लगाओ इंद्र, शाम्मुखी और वारंगी अब दैत्यनिया नहीं है, परम देव श्री महागणेश की कृपा से वे देवियां बन गई हैं और उनका आदर करना हर महागणेश भक्त का कर्तव्य है। ऐसा अधर्मी धर्म मुझे स्वीकार नहीं। ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम महागणेशाय अवश्य मिलना चाहिए। स्वर्ग के देवता यहाँ रहकर
नाच गाना और भोग विलास में खो जाते हैं, जबकि इसी स्वर्ग में रहकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करने वाले इन असुरों को देवताओं से भी अधिक सुख प्राप्त होना चाहिए। तुम सबका कल्याण हो। भक्तराज भयासुर, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए ही तुम्हारे समीप आया हूँ। आंखें खोलो भक्तराज। ओम परम। आंखें खोलो। जय जय श्री महागणेश। ये मैं क्या देख रहा हूँ? गण 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 गण। हे श्री गणेश, आपका ये एक दांत इतना लंबा। क्या मेरा इतना लंबा दांत देखकर स्वर्ग सम्राट भयासुर को भय होने लगा? भक्त को कभी भय नहीं होता स्वामी। अपने स्वामी का बदला हुआ रूप देखकर आश्चर्य होता है। मुझे भी आपको देखकर आश्चर्य हो रहा है। एकाएक आपका ये दांत इतना लंबा कैसे हो गया? भक्त राज भयासुर, परम देव श्री महागणेश के हर अवतार का रूप भिन्न भिन्न होता है। क्यों स्वामी? यदि रूप भिन्न भिन्न नहीं होंगे तो उन्हें पहचाना कैसे जा सकता है? मैं परम देव श्री महागणेश का एक दंत अवतार हूँ। श्री महागणेश के एक दंत अवतार की जय हो, जय हो, जय हो। भक्त राज भयासुर, कुछ समय बाद तुम्हें परम देव श्री महागणेश के एक और अवतार की जय जयकार करनी होगी। एक और अवतार? हाँ, परम देव श्री महागणेश के गजानन अवतार। कुछ समय बाद तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आ रहे हैं उनके साथ ही देवी वरांगी और देवी शांबुकी भी हैं। वे उन दोनों को लेकर स्वर्ग आ रहे हैं। एकदम श्री गणेश, अपने संज्ञानी भक्त पर थोड़ी सी कृपा कर दे। मुझे केवल इतना बता दे कि गजानन श्री गणेश की पहचान क्या है? उनका गजानन अवतारी रूप बिल्कुल गौरी पुत्र श्री गणेश के समान है। केवल तुम जैसा परम श्री महागणेश भक्त ही उन्हें पहचानने में सफल हो पाएगा। परंतु आप तो ये कह रहे थे कि परमदेव श्री महागणेश का हर अवतार भिन्न भिन्न रूपों में आता है, फिर गौरीपुत्र श्री गणेश और गजानन श्री गणेश में समानताएं क्यों हैं? स्वामी एकदम श्री गणेश, मेरी मूर्खता पर हंसना उचित है, परंतु मेरी शंका का समाधान तो कर दे। गौरी पुत्र और गजानन का रूप एक सा क्यों है? गौरी पुत्र और गजानन श्री गणेश का एक समान रूप तुम जैसे परम श्री महागणेश भक्तों की परीक्षा है। यदि तुम उन्हें पहचान गए तो तुम्हारी भक्ति सफल हो जाएगी। अब तो मैं उन्हें पहचान ही जाऊंगा, क्योंकि आपने उनका परिचय देकर मेरी सहायता जो कर दी है। भक्त की सहायता करना तो भगवान का कर्तव्य होता है। तुम अपनी परीक्षा में असफल ना हो जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें गजानन श्री गणेश का परिचय बताने के लिए यहाँ चलाया। आप धन्य है एक धन श्री गणेश और धन्य है परम देव श्री महागणेश, जो अपने भक्तों को कभी असफल नहीं होने देते। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। भक्त राज भयासुर, गजानन श्री गणेश की जय जयकार करो, स्वर्ग लोक में इनका स्वागत करो। प्रणाम। गजानन श्री गणेश की और एक दंत श्री गणेश की जय। गजानन श्री गणेश की और एक दंत श्री गणेश की जय। नमः शिवाय।
ओम नमः शिवा। हे दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर, तारकासुर के तीनों पुत्र आपकी अखंड आराधना में लीन हैं। उनकी हर संकट से रक्षा करना महादेव, अपनी कृपा दृष्टि उन पर रखना। नारायण नारायण, ओम गंग गणपते नमः, ओम नमः शिवाय नमः। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम। देवताओं के ऋषि नारद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में। नारायण नारायण दैत्य गुरु, प्रणाम का प्रति उत्तर आशीर्वाद से दिया जाता है, प्रश्न से नहीं। देवताओं के ऋषि को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? नारायण नारायण, अगर आवश्यकता ना होती तो ये नारद यहाँ आपको प्रणाम करने के लिए उपस्थित ही क्यों होता? मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ नारद, तुम अपनी चतुराई को प्रकट करके सबको भ्रमित करते हो। भ्रमित? भ्रमित ही तो नहीं कर पाता ये नारद, किंतु आप मुझे देखकर कृपा क्रोधित ना हो दैत्य गुरु। देवताओं के ऋषि को देखकर दैत्य गुरु क्रोधित ना होंगे तो क्या होंगे? गंगन 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 गंगन। गुरुवर, गुरु और ऋषि के मध्य तो वही संबंध होता है जो आत्मा का शरीर से है, प्राण का वायु से है। इस संबंध पर सारा संसार गर्व करता है। परंतु मुझे आपके साथ किसी भी संबंध पर गौरव नहीं हो सकता नारद मुनि। ना तो मुझे आपका परामर्श सुनना है और ना ही मुझे आपकी चतुराई से भ्रमित होना है। नारायण नारायण, सुनने और सुनाने की बात पर एक बात स्मरण हो आई दैत्य गुरु, कि दैत्य माता दीदी भी तो आपकी बात नहीं सुनती, फिर भी आप उन्हें अपनी बात सुनाने और समझाने का प्रयास करते रहते हैं। ये हमारा निजी विषय है नारद मुनि, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। मैं तो यहाँ तक भी जानता हूँ दैत्य गुरु, दैत्य माता दीदी आपको दैत्य शत्रु कहकर पुकारती है। नारायण नारायण, इस बात को उन्होंने आपकी इतनी भयानक उपेक्षा की है कि आप उसे सुनकर स्तब्ध रह जाएंगे। किस उपेक्षा की बात कर रहे हैं आप? दैत्य माता दीदी के कारण तारक पुत्र विद्युन्मान और कमलाक्ष विवश और असहाय होकर रह गए। दैत्य माता दीदी के उग्र स्वभाव के कारण तारक पुत्रों का विवश और असहाय होना स्वाभाविक, परंतु तुम्हारे परामर्श की इसमें मुझे कोई आवश्यकता नहीं है नारद मुनि। तुम बिन बुलाए यहाँ आ गए हो, तुम्हारी यह आवश्यकता भी नहीं है। मुझे शिव आराधना करने दो और चले जाओ यहाँ से। कैसे चला जाऊं दैत्य गुरु, कैसे चला जाऊं? यही तो नारद के स्वभाव की विवशता है कि किसी को मझधार में डूबता देखकर नारद अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ता। मुझे अपनी शिव भक्ति पर दृढ़ विश्वास है नारद, मैं मझधार में नहीं डूबने वाला। नारायण नारायण, ओम महागणेशाय नमः। दृढ़ विश्वास तो सफलता का मूल मंत्र है, किंतु आप ही के भक्तों के समान आपकी शिव भक्ति का भी कोई परिणाम नहीं मिलेगा। अर्थात? नारायण नारायण, अर्थात दैत्य माता दीदी के प्रभाव में आकर तारक पुत्र कमलाक्ष और विद्युत माली ने शिव आराधना को त्याग कर ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ कर दी, जिससे उन्हें स्वर्ग सिंहासन मिल जाए। किंतु दुर्भाग्य, नारायण नारायण, ये दुर्भाग्य तारक पुत्रों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो नारद? मेरी बात पर आप तनिक भी संदेह ना करें दैत्य गुरु, सत्य पर अडिग रहना नारद का धर्म है। तारक पुत्रों को वरदान देने ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से तो निकले, किंतु आधे मार्ग से ही लौट गए। उनका ब्रह्मलोक से निकलना ही अनुचित था, एक ही तपस्वी को एक ही आराध्य दो वरदान नहीं दे सकता। यही तो मैंने भी उन्हें समझाया। किसे? ब्रह्मदेव को। ब्रह्मदेव को? नारायण नारायण, भला ब्रह्मदेव को समझाने की बुद्धि नारद के पास कहाँ है दैत्य गुरु? मैंने तो तारक पुत्रों को समझाया, देवी शंभू की और देवी वारंगी का उदाहरण दिया कि उन्होंने किस प्रकार श्री महागणेश की आराधना करके उसका प्रतिफल कितना शीघ्र प्राप्त किया। देवी शंभू, देवी वारंगी
ये दैत्य नारियां देवियां कैसे हो गई नारद मुनि? नारायण नारायण, श्री महागणेश की भक्ति का प्रतिफल ऐसा ही होता है दैत्य गुरु, उनकी कृपा ऐसी ही होती है। अदम से अदम प्राणी भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है। गजानन श्री गणेश ने देवी शाम्बू की और देवी वारंगी को केवल देवी पद ही नहीं दिया, अपितु उन्हें अपने साथ स्वर्ग लोक भी ले गए और तारक पुत्र और देवी दिति हाथ मलते रह गए। नारायण नारायण।